गाइस आज का कस्टम चालू हो चुका है। मस्ती कर रहे हैं आप लोग। बहुत से अच्छे प्लेयर भी आए इसमें जिनको मैं जानता हूँ। का हमारा प्लेन पास जा रहा है कटका से नवो। देखते हैं कौन सी टीम कहाँ उतर रही है। तो टीम नंबर 27 लगता है जॉर्जो जा रही है। नंबर 27 को अच्छी लूट मिलने के चांसेस हैं क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं जा रहा। वो पोचिंग की भसड़ होने वाली गाइस भसड़। कोड रॉबिन की टीम मिलिट्री बेस जा रही है। भसड़ होने वाली गाइस। देखिए कितनी टीम थी। उतर चुके हैं। मिस्टर पास लूट रहे हैं और शरण को लगता है पता चल गया। मिस्टर क्रिश के पास शॉटगन है गाइस। क्या लगता है बच पाएंगे।
टीम नंबर 20 है वो साइकोपी क्रॉस करते वक्त मार दिया, क्या बात है। यहाँ पे टीम नंबर 20 और 16 की फाइट लग रही हो सकती है। यहाँ पे टीम नंबर मोहंगर भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ओ भाई लियोन नॉक हो चुका है, सोच रहे हैं और ये रश करते हुए ओपी गाइस, ओपी ओपी रश। ओ शिट साइको का बेहतरीन नेड आते हुए, साइको का बेहतरीन नेड। मिस्टर मॉन्स्टर ने एक नॉक किया है, मिस्टर निखिल के पास फाइट चल रही है, ने मोहित को नॉक कर दिया है। और फ्रेंड्स का बहुत बेहतरीन 1v2 खेल रहे हैं यहाँ पे। साइको तो भाई एक नंबर खेल रहा है, एक नंबर। यहाँ पे 47 की फाइट 26 से चल रही है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या आईक्यू लगा है। ओ माय गॉड लगता है इन लोगों को पता चल गया है साइको यहाँ पे आ चुका है, और साइको ने रश कर दिया। ओपी भाई क्या रश है भाई, बहुत हार्ड, एक नंबर प्लेयर भाई, एक नंबर। मजे बांध दिए भाई बंदे ने मजे, क्या मस्त खेल रहा है भाई साइड मॉन्स्टर यहाँ पे है। ओ ये एंटर कर गए और शेट रीलोड पे गई, रीलोड पे गई, नहीं कर पाए। क्या मार भाई साइको की टीम, क्या मार है भाई, मजा आ गया भाई। मिलिट्री बेस में एक टीम है, बाकी मिल्टा पे है। क्या भाई यहाँ पे आके लूट कर रहे हैं, शॉट पड़ते हुए अवेंटी ने क्या मारा भाई, 4x लगा के, बहुत बेहतरीन। बोलिए मनु इन्हें एक बंदा नॉक किया, ओ शिट ये रश कर रहे थे पर इनको मार दिया गया। पूछेंगे दो, ओ निखिल मर चुके हैं, यहाँ पे 25 टीम का भी एलिमिनेशन होते हुए ब्लेस की टीम भी बढ़िया खेल रही है। यहाँ पे अकेली टीम बची कुछ की सब मर चुके, टीम नंबर 5 मिनट में लूट कर रही है, उनके पास टीम नंबर 8 है। टीम नंबर 8 का एक बंदा ऑफलाइन है, ये तो जोड़े पुल से निकली नहीं है, क्या हाँ? लूट ही करने जाते भाई, बंदे मार बंदे जाओ, कितना लूट करोगे।
ये अच्छा किया, दो दो गाड़ी ले ली जिससे कवर बना सके एंडिंग में, बहुत बढ़िया। टीम नंबर 5 टीममेट के बहुत क्लोज है, ऋतिक को पता चल गया वहाँ पे एक बंदा है, यशवर्धन भी स्कॉट कर रहा है। भास्कर भी अपने प्लेयर को लेने आ गए हैं। क्या ऋतिक मारेगा? नहीं ऋतिक ने नहीं मारा, वर्धन मार रहा है, थॉमसन एंड पे बच जाएंगे लोग। ओ ब्लेस चरण ने मार दिया, ओपी नॉक, ओपी नॉक। यहाँ पर रिटेलिएशन फायर में सन भी नॉक होते हुए कोड रॉबिन के। कोड रॉबिन ने अच्छा एम किया, एक रीपर ने एक बंदा मार दिया। टीम नंबर 19 ने 14 पे रश कर दिया है, देखते हैं कितनी जल्दी फाइट होती है इन दोनों के बीच में। ब्लेज बिच्छू, ब्लेज बिच्छू ऑलरेडी उनके बगल वाले रूम में आ चुके हैं। ये टेक्निक मुझे सबसे बेस्ट लगती है, छत पे चढ़ो मारो, सबसे बेस्ट पोजीशन। एक प्लेयर वहां से कवर देगा, एक प्लेयर यहां से, बहुत बेहतर। टॉक्सिक रीपर छत पे आए तो गया, और ये मॉली सही जाती हुई, क्या नॉक हो पाएगा? नहीं नहीं कोल्ड ड्रैगन बच गया। दोनों तरफ से बुक अच्छा इस्तेमाल, शरण अगर यहाँ पे एक नेड करते तो दोनों, पर दोनों प्लेयर नीचे आ चुके हैं। टॉक्सिक रिपर नेड करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ये वहाँ पे बिच्छू है ही, बिच्छू दोबारा छत पे आते हुए। पेशेंस लेवल यहाँ पे बहुत अच्छी है, नहीं तो बहुत से लोग तो सीधा घुस जाते हैं अंदर। रश दोनों जगह से टीवी भी लिया जाता है, यहाँ पे ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, खड़े लगता है ऑफलाइन या एफके हो गए। दोनों ही प्लेयर कुछ नहीं कर रहे, ब्लेस सरन ने नॉक कर दिया है, और एक गलत रश करते हुए क्या कवर फाड़ दिया टॉक्सिक ने। क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा? 1v1 दोनों के प्लेयर, एक दोनों बंदों के प्लेयर। ओ बिच्छू ने क्या जिगल किया, क्या जिगल किया। ओ गाइस 0.1 HP पे टच किया है, कोऑर्डिनेशन, क्या कोऑर्डिनेशन है भाई, मजा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ये गेम प्ले देख के मजा आ गया, बिच्छू ओपी इन द चैट। टीम मेट 5 के बगल से निकल गई और उन्होंने देखा भी नहीं।
देख तो लिया पर फायर नहीं किया। मोनी प्रो लूट करके लेट चुके। खेलो भाई, खेलने के लिए रूम बनाए। बंदे मारो। स्पाइडरमैन और सूर्य शोर है। ये भी बंदे ढूंढ रहे हैं कि बंदे कहाँ हैं। मोहम्मद जी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बंदे एक दूसरे को ढूंढ रहे, पता ही नहीं लग रहा कौन कहाँ पे। टीम नंबर 1927 के पास आ रही है। देखते हैं टीम नंबर 27 ने जो लूट करी है उसका फायदा उठा पाते नहीं। टीम नंबर 27 चुपचाप लेट है, कोई फायर नहीं। यहाँ पे टीम नंबर 2 का एक प्लेयर लेट है क्या? बिच्छू ने देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। देखते हैं एवेंजर किंग कैसे फाइट लेते हैं। अगर ये 1v2 क्लच कर गया भाई मजा आ जाएगा। बेहतरीन फायर पर नहीं, सरन से बच के कहाँ जाओगे? बंदूक ने दम से फाइट किया, ऐसे थोड़ी ना कोई मार देगा। इस सांस तो हमें नफरत है आप लोगों को ऐसे। मोहम्मद जी करा पहुंच गए, एक सेकंड। मेरी पिन तो सही आ रही है सेंस। बिच्छू ने उठा लिया M249। अब तो तेल का मचाएंगे लगता है। टीम नंबर 19 के बगल से टीम नंबर 12 गई है। इन लोग का फाइट लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं, तो वो निकल लिए। टीम नंबर 27 तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही है, चुपचाप बैठ गई। टीम रेड तो हमें ही में सो चुकी है गाइस ऑलरेडी, इनको कहीं नहीं जाना। टीम नंबर 12 टीम नंबर 27 के बगल में घूम रही, देखते हैं नोटिस पाते हैं।
टीम नंबर 8 के बगल में आ चुके, लगते ना पता चल गया यहाँ पे बंदे हैं। टीम नंबर 8 के बंदे लेट थे। ऋतिक जी आगे जा रहे हैं। अभी टीम नंबर 12 को कंफर्म नहीं है कि बंदे एक्चुअली हैं कहाँ, तो वो खुद लेट चुके हैं, जोन टू जोन खेलने की कोशिश कर रहे हैं। टीम नंबर 5 भी वहीं से, टीम नंबर 12 चलो भाई मूव तो करी कम से कम। ओ ये क्या किया, गाड़ी ठोक दी। टीम नंबर 19 को पता चल गया यहाँ बंदे, देखते हैं रश करते नहीं करते। बिच्छू तो एकदम पीक वीक मस्त लेके, रिकॉइल अच्छा था पर एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हुई। धूम नाइट वॉल के पीछे है, यश वर्धन तो भाई शेयर में बैठ चुकी है, जब बंदा आएगा तो देख लेंगे ना। अगर ये फ्लैंक काम कर गया, कितना दूर है अभी, तो बहुत टाइम है दोनों बीच में फाइट होने के लिए। मोहम्मद जी आप टेंशन मत लिया, फ्रेम ड्रॉप स्ट्रीम में होती है, जब इस स्ट्रीम को मैं अपलोड करूंगा आपको 720। तो गाइस यहाँ पे सब साफ बन चुके हैं, टीम नंबर 27 अभी भी जोन के बाहर है। एक गाड़ी बैठ के क्या सोच रहे हैं, जाए नहीं जाए, मुझे लगा ये एस टू एस खेलेंगे। क्या टीम नंबर 5 इन्हें देख पाएगी, नोटिस कर चुके हैं ऑलरेडी, कोई फायर नहीं क्योंकि इन्हें भी अपनी कुछ स्पॉट नहीं करवानी है। बिच्छू ने स्पॉट कर लिया, गाड़ी पर बांध देनी है। शरण ने शौर्य को स्पॉट कर लिया और शौर्य ओपी, क्या बात है, क्या रिकॉइल कंट्रोल किया बंदे, क्या रिकॉइल कंट्रोल किया। स्पाइडरमैन का भी रिटेलिएशन करा तो है, ओपी गाइस क्या खेल रहा है, क्या खेल रही है टीम नंबर 19। ओपी गाइस टीम नंबर 19 ने तो भाई मजे ही बांध दिए। शरण दोनों ही ओपी प्लेयर गाइस, क्या रिकॉल कंट्रोल किया, मजा आ गया। और यहाँ पे नंबर 19 ने टीम नंबर 5 पे रश कर दिया, देखते हैं कैसे फाइट लेते हैं। टीम नंबर 5 के दोनों प्लेयर आ चुके हैं एक साथ, टीम नंबर 20 सामने से यहाँ पे फायरिंग की पर गाड़ी स्पीड में निकल गई। यहाँ पे टीम नंबर 5 पे रश कर दिया टीम नंबर 20 ने और यहाँ पे दोनों को मारते हुए ओपी भास्कर ओपी। यहाँ पे टीम नंबर 19 ने इसका फायदा उठा दिया, थर्ड पार्टी गाइस ये होती है माइंड स्ट्रेटजी, एक मारे दूसरा फल खा जाए। यहाँ पे वर्धन ने देख लिया वहां पे फाइट हो रही है, टीम 19 ओपी गाइस। इस टीम ने तो आग ही लगा दी भाई आज के कस्टम, मजा आ गया। 1v2 जाने क्या क्या किया है दोनों प्लेयरों ने, बेहतरीन गाइस। मुझे तो लगता है यही टीम जीतेगी क्योंकि टीम नंबर 8 ने अभी तक एक भी फाइट नहीं ली। टीम नंबर 19 के दोनों प्लेयर का गेम प्ले देख तो 100% ये टीम जीतेगी। शरण जोन में आते हुए एक पत्थर का कवर है,
बिच्छू ने ऋतिक को स्पॉट किया है? नहीं, कर लिया है, कर लिया है। नंबर 19 स्पॉट कर लिया ऋतिक को। शरण फ्लैंक मार रहा है बिच्छू कवर फायर के लिए। यशवर्धन देखते हैं फायदा उठा पाते हैं नहीं। नीचे आ चुके पर ये देख चुके हैं और बिच्छू ने मार दिया। बहुत अच्छा नोटिस किया। यशवर्धन पे वीएसएस है और ऋतिक को फिनिश कर दिया। ये तो भाई चोर हो गई। वीएसएस और सामने दो महान प्लेयर गाइस, क्या लगता है कैसे मारे उसको? नहीं नहीं ज़्यादा एक्सपोज किया अपने आप को, बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिया। दोनों प्लेयर फ्री फायर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यशवर्धन फॉल बैक कर चुके हैं, जोन का भी डैमेज आएगा, जोन से ही मर जाएंगे मुझे लग रहा है गाइस। और इसी के साथ क्या मज़ा तो आज का कस्टम यहीं पे ख़त्म होते हुए। टीम नंबर 19 ओपी गाइस, दोनों के 5 किल, 10 किल भाई, मज़ा। चलिए गाइस हम नेक्स्ट कस्टम में मिलते हैं कल 9 बजे के आसपास होगा।